प्रभु येसु के अति पवित्रतम हृदय की भक्ति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक भक्ति है, लेकिन इसको अधिकतर लोग गलत तरीके से अपनाते हैं। घरों में जरूर उनके अति पवित्रतम हृदय का फोटो है, लोग शुक्रवार के दिन आराधना में जाते हैं, मिसा में भी जाते होंगे, लेकिन जैसे प्रभु येसु चाहते हैं बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं। तो आज हम सीखेंगे, मनन करेंगे कि जैसे प्रभु येसु संत मार्गरेट मरियम अलकुए को जानकारी दिए थे या उनके द्वारा हमसे चाहते हैं, उस तरीके को आज हम सीखेंगे। जैसे आपको ज्ञात होगा, संत मार्गरेट मरियम अलकुए 1647 को जन्मी थी और उनकी मृत्यु 1690 में हुई और वे विजिटेशन ऑफ होली मेरी धर्म समाज की एक धर्म बहन थी। और प्रभु येसु 1673 से लेकर 1675 के बीच में बहुत बार उन्हें दर्शन दिए थे। उन दर्शनों में जैसे वे दिखाई दिए थे वैसे ही वे ड्राइंग कराने के लिए संत मार्गरेट मरिय अलकुए जो एक धर्म बहन थी, सिस्टर थी, उनको आदेश दिए थे जो आज हमारे घरों में हम स्थापित कराते हैं। उसी समय उनके द्वारा हम पर यह प्रकट किए कि महीने के हर शुक्रवार, वास्तव में वे कहते हैं कि हर शुक्रवार उनके लिए विशेष है प्रभु येसु के लिए, लेकिन उसमें भी हर महीने के प्रथम शुक्रवार बहुत ही विशेष है। उन दिनों में वे कहते हैं, उन दिनों को हम उनके अति पवित्रतम हृदय के प्रति हमारी भक्ति को प्रकट करते हुए उसको मनाने के लिए वे आह्वान करते हैं। लेकिन इसको कैसे करना चाहिए? जैसे आप जानते होंगे, सब बड़े बड़े त्योहारों के लिए तैयारियां की जाती हैं और 9 दिन या 9 माह ये सब बहुत विशेष होते हैं। उसी प्रकार प्रभु येसु कहते हैं लगातार 9 महीनों के प्रथम शुक्रवार, 9 महीनों के प्रथम शुक्रवार पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में सहभागी होकर, पवित्र कम्युनियन ग्रहण करके, पवित्र यूक्रिस्तीय आराधना में सहभागी होना है। ध्यान दीजिए, लगातार 9 महीनों के प्रथम शुक्रवार के दिन। यदि मान लीजिए बीच में छूट गया, मैं 8 शुक्रवार गया, 9वां शुक्रवार नहीं जा पाया, मैं 10वां महीने के शुक्रवार गया प्रथम शुक्रवार, प्रभु कहते हैं वो मान्य नहीं, मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, 1 से शुरू करना पड़ेगा, जो 9वां महीना में जाऊंगा वो मेरे लिए प्रथम माह बन जाएगा। यानी लगातार 9 माह के प्रथम शुक्रवार के दिन यदि हम कृपा की अवस्था में या स्थिति में नहीं है तो हमें मेल मिलाप संस्कार में, पाप स्वीकार संस्कार में सहभागी होकर पापों से छुटकारा पाना और अपने आप को ईश्वर की कृपा की उस दशा में, उस स्थिति में अपने आप को पाना अनिवार्य है, अन्यथा ये कृपाएं हमें नहीं मिलेगी। तो ध्यान में रखिए, यदि कृपा की दशा में या स्थिति में नहीं है तो पाप स्वीकार संस्कार में यानी मेल मिलाप संस्कार में भाग लेना, यूक्रिस्तीय आराधना में भाग लेना, तीसरा पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में योग्य रीति से पूर्ण रूप से सहभागी होकर पवित्र कम्युनियन ग्रहण करना, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ऐसे करने से ही जो विशेष कृपाएं प्रभु येसु कहते हैं वे हमें देंगे, वो हमें प्राप्त होंगे। साथ ही साथ ये सब करते समय हमारे मन में कौन सा उद्देश्य लेकर हमें इन सबको करना चाहिए, वो इस प्रकार है। प्रभु येसु के अति पवित्रतम हृदय यानी उनके प्रेम के विरोध में जो भी पाप किए जाते हैं, जो भी गलत सिद्धांत फैलाए जाते हैं, जो अपवित्र कार्य किए जाते हैं और जो उनके प्रेम को अस्वीकार करते हुए जीवन जीते हैं, इन सब के दंड मोचन के लिए हम ये सब कार्य करेंगे। उद्देश्य यही है, अपने कुछ उद्देश्य के लिए नहीं, हम लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उद्देश्य प्रभु येसु के प्रेम की जो अवहेलना हुआ है, उसके विरोध में जो कार्य हुए हैं, उसके दंड मोचन के लिए, प्रभु येसु के उस दुख को दूर करने के लिए हमें इन सब कार्य को करना है। इसके साथ साथ प्रभु येसु संत मार्गरेट मरियम से और एक बात मांग किए थे, ये अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं, शायद ही ये कहीं अभी होता होगा, वो है
हर महीने के प्रथम शुक्रवार के पहले आने वाले गुरुवार। यदि मान लीजिए कोई महीने में प्रथम शुक्रवार 1 तारीख को है, तो पिछले महीने का आखिरी दिन जो गुरुवार पड़ता है, उस दिन रात को आराधना में 1 घंटे के आराधना में समय बिताना बहुत मुश्किल है। यदि कहीं कोई पल्ली में इस भक्ति दृढ़ता से कहीं चलती होंगी, वहीं पर यह संभव होगा, अन्यथा मुश्किल है। लेकिन ये प्रभु येसु संत मार्गरेट मरियम से मांग किए थे। क्यों? क्योंकि प्रभु येसु जो पुण्य गुरुवार के दिन रात को जो दुख भोगे थे, उसकी यादगारी में उनके साथ समय बिताने के लिए, जैसे हम पुण्य गुरुवार के दिन करते हैं, उस प्रकार करने के लिए प्रभु येसु मांग करते हैं। ये सब करने से हमें क्या मिलेगा? हम वापस आते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए। मतलब ये सब करने से हमें मिलेगा क्या? प्रभु येसु क्या प्रॉमिस करते हैं, देखिए। प्रभु येसु कहते हैं, मैं उन्हें असीमित दया दिखाऊंगा, उनके प्रति मेरे प्रेम को उड़ेलते रहूंगा, देते रहूंगा नहीं, उड़ेलते रहूंगा, और साथ में उन लोगों को मैं पाप की अवस्था में जीने नहीं दूंगा। यदि वे पाप में गिर भी जाएं, मैं उनको सही राह पर लेते आते रहूंगा, और वे पाप की अवस्था में कभी मरेंगे नहीं। मैं उन्हें एक कृपा प्रदान करूंगा कि अंतिम समय में, मृत्यु के पहले, वे मेल मिलाप संस्कार में भाग ले सके, उन्हें रोगी मलन संस्कार मिले, साथ ही पवित्र कम्युनियन मिले अंतिम समय में, और मैं स्वयं, मेरा पवित्र हृदय उनके अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, उनकी मृत्यु के समय शरण स्थान बनेंगे, मैं उनकी रक्षा करूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, ये प्रभु का वादा है। तो इनको अपनाने के लिए, जैसे प्रारंभ से अभी तक मैं समझाते आ रहा हूं, इन सबको हमें ध्यान में रखकर करना होगा। क्या क्या है? 9 महीने, लगातार 9 महीने के प्रथम शुक्रवार पवित्र यूक्रिस्ती आराधना में सहभागी होना। यदि जरूरत पड़े, यदि आप पाप की स्थिति में हैं, हम पाप की अवस्था में हैं, तो हमें मेल मिलाप संस्कार यानी पाप स्वीकार संस्कार में सहभागी होना, पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेना, और पवित्र कम्युनियन ग्रहण करना। और उद्देश्य क्या है? प्रभु येसु के अति पवित्रतम हृदय के विरुद्ध जो पाप किए जाते हैं, उसके दंड मोचन के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए, प्रभु येसु के दुख को दूर करने के लिए हमें ये सब कार्य करने की जरूरत है। इनके साथ साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारे घरों में प्रभु येसु के अति पवित्रतम हृदय के चित्र को, फोटो की स्थापना कराना। ये कैसे करना चाहिए, इसके पहले हम लोग वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया गया है उसको क्लिक करेंगे तो वो सब वीडियोस आपको मिलेंगे। और व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से अपने आप को प्रभु येसु के अति पवित्रतम हृदय को अर्पित करना, समर्पित करना, अंग्रेजी में कॉन्सक्रेशन बोलते हैं, इसको करना। साथ में हर शुक्रवार, ना केवल प्रथम शुक्रवार, हर शुक्रवार विशेष रूप से इस भक्ति को अपने घरों में करना। यदि हम चर्च नहीं जा सकते हैं, घरों में ही इसके जो पवित्र रोजरी बिंदी आती है, पवित्र रोजरी बिंदी करके उसके साथ में जो प्रभु येसु के अति पवित्रतम हृदय की स्तुति बिंदी होती है, लिचनी होती है, उसको भी करना जरूरी है। इन सबको हम सबों को करना चाहिए, साथ में अन्य लोगों को भी इस भक्ति को सही तरीके से अभ्यास करने के लिए, इसको चलाने के लिए, अपने जीवन में अमल करने के लिए भी हमें लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूं, मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, हम गलत तरीके से करते हैं। जैसे प्रभु येसु हमसे चाहते हैं, हम सब उसी रीति से करें, और जो प्रतिज्ञाएं प्रभु येसु इस भक्ति के द्वारा हमें देने की प्रतिज्ञा किए हैं, उन सबको हमारे जीवन में अनुभव करें, और दूसरों को भी ये प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए लोगों को हम प्रोत्साहित करें। इन सभी बातों से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रभु येसु के दुख को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। आइए हम इस नवरोज प्रार्थना के अंतिम दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु येसु के परम पवित्र हृदय की भक्ति,
हे यीशु के परम पवित्र हृदय, बड़ी दीनता के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तू तो मेरे प्रभु और मुक्तिदाता का हृदय है, जो संपूर्ण आदर और आराधना के सर्वथा योग्य है। तू ईश्वर का पूजनीय मंदिर है, जिसमें उसकी आनंद आराधना की जाती है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हे प्रभु यीशु के हृदय, तू अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तू ईश्वर का राजमहल है, जिसमें से वह स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तू सृष्टि का सबसे मनोहर कमल है, जो अपनी सुंदरता और सुगंध से ईश्वर को प्रसन्न करता रहता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू परम पूजनीय है, क्योंकि तू वही बलिदान का कटोरा है, जिसमें हम मनुष्यों की मुक्ति के लिए हमारे प्रभु ने ईश्वर को अपना बहुमूल्य रक्त चढ़ाया था। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू वही कृपा का अथाह सागर है, जिससे दीन दरिद्र मनुष्यों को अमर जीवन प्राप्त होता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर की जीवित वेदी है, जिस प्रचंड प्रेमाग्नि के कारण प्रभु यीशु ने मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वरीय सत्य का सूर्य है, जो इस जीवन के अंधकार में स्वर्ग पथ को निरंतर आलोकित करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। मेरे ही प्रेम के कारण तूने अपने आप को भाले से छेदने दिया, ताकि मैं विपत्ति के समय तेरी शरण में आ सकूं। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू अत्यंत दयालु और भला है, क्योंकि मेरे अपराधों को नष्ट करने के लिए तूने अंतिम बूंद तक अपना रक्त बहाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू वह सुंदर पुल है, जिस पर चढ़कर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हमारे लिए तेरे सिवा ईश्वर के पास जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मुझ पर इस लोक में अपने हृदय का प्रताप अधिक से अधिक मात्रा में प्रकट कर, तथा मेरे हृदय में अपने प्रेम की अग्नि सुलगा दे। अपनी कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में पहुंचाइए, जहां मैं स्वर्गदूतों और संतों के साथ आपके परम पवित्र हृदय का इस प्रकार सदा गुणानुवाद किया करूंगा। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से समर्पण प्रार्थना। हे मधुर यीशु, मनुष्य जाति के त्राणकर्ता, हम पर दृष्टि डालिए, जो आपकी वेदी के सामने बड़ी दीनता के साथ दंडवत करते हैं। हम आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं, इससे भी अधिक आपसे संयुक्त होने के लिए अब
हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को आपके परम पवित्र हृदय को आत्मसमर्पण करता है। अनेक व्यक्तियों ने आपको कभी भी नहीं जाना और अनेकों ने आपकी आज्ञाओं को तुच्छ जान आपको त्याग दिया। हे परम दयालु यीशु, उन पर दया कीजिए और उन सबको अपने पवित्र हृदय की ओर आकर्षित कीजिए। हे प्रभु, आप राजा हैं, केवल उन विश्वासियों के ही नहीं जो कभी आपसे दूर ना हटे, किंतु उन कुपुत्रों के भी जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। ऐसा करें कि वे शीघ्र ही अपने पितृगृह में पुनः लौट आवे, ताकि वे कंगाली और भूख से बर्बाद ना हो। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को सुरक्षा, स्वतंत्रता और कुशलता दे, सब राष्ट्रों को सुख और शांति प्रदान करें। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक यही एक शब्द सुनने में आवे कि जिससे हमारी मुक्ति हुई है उस ईश्वरीय हृदय की जय हो, अनंत काल तक उसकी महिमा और स्तुति होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से परिवारों की प्रायश्चित प्रार्थना। हे मधुर यीशु, आप मनुष्यों से असीम प्रेम करते हैं, किंतु फिर भी कितने लोग आपको भूल जाते हैं, कितने ही लोग आपकी परवाह नहीं करते और आपको तुच्छ मानते हैं। हम आपकी इस वेदी के सामने दंडवत करके आपके परम पवित्र हृदय को मनुष्यों की इस दुष्ट उदासीनता एवं अपमान का बदला देना चाहते हैं। हमें इसका भारी दुख है कि हमने भी कभी आपका अपमान किया, इसलिए हम पहले पहल अपने लिए ही आपसे क्षमा मांगते हैं। आज हम अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करके प्रसन्नता पूर्वक उनका बदला लेने को तैयार हैं, किंतु हम केवल अपने ही अपराधों के लिए नहीं, प्रत्युत उन सब मनुष्यों के लिए भी बदला लेना चाहते हैं जो मुक्ति मार्ग से दूर भटक रहे हैं, चाहे वे अविश्वास में दृढ़ होकर आपको अपना चरवाहा और पथ प्रदर्शक मानने से इनकार करते हों, चाहे उन्होंने बपतिस्मा संस्कार की प्रतिज्ञाएं भंग करके आपके धर्म का मधुर जुआ उतार फेंका हो। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से आह्वान प्रार्थना। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना सुन। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। हे पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पवित्र त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में बनाया गया, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो वास्तव में ईश्वर के शब्द से मिला हुआ है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के पवित्र मंदिर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रधान के तंबू, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म और प्रेम के निवास स्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से परिपूर्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व गुणों के अथाह सागर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रशंसनीय, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय समस्त बुद्धि और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय
पूर्ण ईश्वरीय के निवास स्थान हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न हुआ है हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सबको कृपाएं प्राप्त हुई हैं हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म पुरुषों की अभिलाषा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय दया और धैर्य से परिपूर्ण हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब प्रार्थियों के उपकारी हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता के स्रोत हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे पापों की प्रायश्चित बलि हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपमानों से पीड़ित हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो हमारे अपराधों के कारण भाले से छेदा गया हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मृत्यु पर्यंत आज्ञाकारी हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय समस्त सांत्वना के स्रोत हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय शांति और मैत्री के दाता हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपने आश्रितों के उद्धार करता हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मरणासन लोगों की आशा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब संतों के आनंद हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे हृदय के नम्र और विनीत यीशु अपने ही हृदय के समान हमारे हृदयों को भी बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और इन गुणानुवादों तथा दंड चुकावों पर ध्यान दे जिनको वह पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाते हैं। तो अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ही के नाम पर जो तेरे साथ ईश्वर होकर पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीवित रहते राज्य करते हैं प्रसन्न होकर हमें जो तेरी दया मांगते हैं क्षमा कर। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय को परिवारों का समर्पण। हे प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय तूने संत मार्गरेट मरियम से अपनी यही आकांक्षा प्रकट की थी कि तू कैथोलिक परिवारों पर राज्य करना चाहता है। तुझे प्रसन्न करने के लिए आज हम यहां एकत्रित होकर तुझे अपने परिवार का स्वामी और राजा स्वीकार करते हैं। हम निश्चय करते हैं कि हम तेरे ही आदर्श के अनुसार व्यवहार किया करेंगे। तूने जिन सद्गुणों के पालन से इस दुनिया को शांति देने की प्रतिज्ञा की है उन सद्गुणों को अपने परिवार में भी हम विशेष रीति से पालेंगे। और तूने जिस सांसारिक प्रभाव को दोष दिया था उसे हम अपने परिवार से दूर ही रखेंगे। इन सब शोचनीय अपराधों के लिए हम उन लोगों के स्थान में प्रायश्चित करना चाहते हैं जो पवित्र शुद्धता के विरुद्ध अनुचित व्यवहार से पाप करते हैं और निर्दोष लोगों को पाप के जाल में फंसाने का प्रयत्न करते हैं या जो रविवार अथवा हुक्म पर्व के दिनों को अपवित्र करते हैं अथवा आपकी और आपके संतों की निंदा करते हैं। फिर कितने लोग संत पापा अथवा आपके पुरोहितों का अपमान करते हैं आपके ईश्वरीय प्रेमयुक्त पवित्र यूक्रिस्त की परवाह नहीं करते अथवा उसे अयोग्य रीति से ग्रहण करके अपवित्र करते हैं। आपके ईश्वरीय आदर में
जो क्षति होती है आज हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। अतः जो प्रायश्चित आपने क्रूस पर अपने पिता के सामने किया था और जो आप अब भी यूक्रिस्तीय बलिदान द्वारा प्रतिदिन हमारी वेदियों पर पुनः किया करते हैं, वही प्रायश्चित लेकर और कुंवारी मरियम तथा सब संतों व धार्मिक विश्वासियों के पुण्य फलों को मिलाकर हम आपको समर्पित करते हैं। हम हृदय से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में हम आपकी कृपा पर आशा रखकर उचित व्यवहार से आपके असीम प्रेम के प्रति मनुष्यों की उदासीनता और उनके दूसरे सब अपराधों का प्रायश्चित करेंगे। हम आप पर दृढ़ विश्वास करेंगे, हम निर्मल आचरण करेंगे। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति हम दूसरे मनुष्यों को भी आपका अपराध करने से रोकेंगे और बहुत से अन्य लोगों को आपके अनुयायी बनाने की चेष्टा करेंगे। हे यीशु के पवित्र हृदय, हम तुझ पर सरलता पूर्वक विश्वास करते हैं। इस विश्वास के द्वारा तू हमारे मनों पर राज्य कर। हम तुझे प्रेम करते हैं और बार बार पवित्र यूक्रिस्त में तुझे ग्रहण कर इस प्रेम की बत्ती को जलाए रखेंगे। इस प्रेम के द्वारा तू हमारे हृदयों पर राज्य कर। हमारे सब कार्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर तथा सब कठिनाइयों में साहस दे। हमें पवित्र आनंद प्रदान कर और हमें अपने सब दंड सहने की शक्ति दे। यदि हम में से कोई तुझे अप्रसन्न करता है तो तू उसे यहां तक स्मरण करा दे कि तू पछताते हुए पापी के लिए भलाई और दया का सागर है। अंत में जब मृत्यु हमारे घर में प्रवेश करेगी तब मरणासन्न व्यक्ति और हम सब तेरे अनादि विधानों के सामने सिर झुकाएंगे। उस समय हमारे लिए यही विचार शांतिदायक होगा कि एक दिन हमारा सारा परिवार स्वर्ग में फिर एकत्रित होकर तेरे उपकारों के बदले में अनंत काल तक तेरी प्रशंसा और स्तुति करता रहेगा। तेरी निष्कलंक माता कुंवारी मरियम और धर्मात्मा संत यूसुफ हमारा यह समर्पण तेरे श्री चरणों में रखें और प्रतिदिन हमें उसका स्मरण कराते रहें। हमारे राजा प्रभु येसु क्रिस्त के हृदय की जय। हे प्रभु येसु के पवित्र हृदय, हमारे परिवारों की रक्षा कर। हे प्रभु येसु के पवित्रतम हृदय, हम पर दया कर। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। प्रभु यीशु